नमस्कार किसान मित्रों, हम गेहूं की फसल में कटाई की कोई जल्दी ना करें। और गेहूं की फसल में कटाई एक मुख्य घटक होता है, क्योंकि गेहूं लगभग 4 महीने लगभग 120 दिन की फसल होती है। और आज हम यहां पर हमारे स्वयं के खेत में देख रहे हैं कि लगभग हमको 115 दिन के आसपास हमारी इस फसल को हो गए हैं, परंतु अभी तक भी ये फसल पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जब तक इस फसल का जो दाना है पूरी तरह सूख नहीं जाए, तब तक आप जो है हार्वेस्टर से या फिर हाथ से कटाई की कोई जल्दी ना करें, क्योंकि यदि आप इस समय कटाई कराते हैं या जल्दी करते हैं तो उससे गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिससे आपको दाम भी कम मिलता है और उसका गीलापन भी सूटेबल नहीं होता है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं जो हमारी बालियां हैं वो पूरी तरह सूख गई हैं, तो कहीं कहीं नहीं भी सूखी हैं। तो इस प्रकार से अभी इन्हें और धूप की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। और इस प्रकार से आप कोई जल्दीबाजी ना करें। लगभग हमारी इस फसल में हम समझते हैं कि कम से कम 10 से 15 दिन और हमको इंतजार करना होगा, और इसके पश्चात ही हम जो है इसको कटवाएंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा उत्पादन आ सके। धन्यवाद मित्रों, मैं आपको लगातार इसी प्रकार अच्छी खेती किसानी करने की टिप्स दे रहा हूँ। मेरे इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहन प्रदान करें। नमस्कार, जय जवान जय किसान।